आप उनसे मिलेंगे कि नहीं। जब उनको बुला करके मैं लौटी तो मैं सोचने लगी, अरे ये जो मैं गई और जा करके मैंने पिताजी को बुला दिया, इस भाषा को तो मैं जानती ही नहीं हूं जिस भाषा में मुझसे प्रश्न पूछा गया। तो जब उस भाषा को मैंने कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, तो फिर उसको मैंने समझ कैसे ली। तो संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको बिना पढ़े बिना सीखे भी आप समझ सकते हैं, और दूसरी कोई ऐसी भाषा नहीं। ये बड़ी बात है। और सच बात तो यह है, आजकल लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा मृत हो गई, संस्कृत भाषा के बोलने वाले अब नहीं रहे। लेकिन सच बात यह है कि आज भी इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी भाषा को समाचार मिल रहा है तो वो संस्कृत भाषा को मिल रहा है। और संस्कृत भाषा इस देश की सबसे बड़ी भाषा आज भी है। कैसे है, आप लोगों की कौन सी भाषा है जो लोग यहां पर बैठे हैं? इसमें से संस्कृत कितने लोगों की भाषा है यहां बता के बताइए। कितने लोगों की भाषा संस्कृत है वो हाथ उठा करके बताएं। एक दो तीन चार लोग हैं जो कह रहे हैं कि संस्कृत हमारी भाषा है, लेकिन बाकी लोग नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि यहां पर जितने लोग हैं शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी भाषा संस्कृत ना हो, सबकी भाषा संस्कृत भाषा है। कैसे है वो भी बताना पड़ेगा। समझ लीजिए, एक बात होती है औपचारिक और दूसरी होती है अनौपचारिक। तो जो औपचारिक होती है उसी को गिना जाता है, जो अनौपचारिक होती है उसका कोई गणना नहीं है। जो आपने मंच पे खड़े होकर के कह दिया उसकी तो गणना होगी, लेकिन जो बातचीत में बहुत सारी बातें कह दी उनका कोई अस्तित्व नहीं है। घर के अंदर आपने कौन सा कपड़ा पहना इसका कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन जब बाहर निकले समाज में आए उस समय आपने क्या पहना वो आपका वेश है। कहा जाएगा कि बंगालियों का क्या वेश है, तो कहेंगे भाई धोती और कुर्ता उनका वेश है। इसी तरह से दूसरे दूसरे लोगों के वेश निश्चित है। माने औपचारिक हमारा जो वेश है वही वेश हमारा अपना वेश है, और औपचारिक हमारी जो भाषा है वही हमारी अपनी भाषा है। अनौपचारिक रूप से काम चलाने के लिए हम जो भी बोलते हों उसका कोई तात्पर्य नहीं है। और औपचारिक भाषा हमारी कौन सी है कोई बताएगा? नहीं बताएगा, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है इस तरह। सच बात यह है कि आपकी भाषा औपचारिक रूप से संस्कृत है। आप जब गर्भ में आते हो तो आपका गर्भाधान संस्कार होता है वो किस भाषा में होता है? कहना पड़ेगा कि संस्कृत में होता है। जब आप जन्मते हो तो आपका जात कर्म और नामकरण संस्कार होता है, पूजा कराई जाती है किस भाषा में कराई जाती है? संस्कृत में ही कराई जाती है। जब आप बड़े होते हो विद्यालय में प्रवेश कराया जाता है, उपनयन अगर जिसका जिसके यहाँ परंपरा से हो रहा है उनका होता है, तो किस भाषा में आपको मंत्र का उपदेश होता है? कहना होगा कि संस्कृत भाषा में होता है। और जब आप और बड़े हो जाते हो, युवावस्था में आ जाते हो, आपका पाणी ग्रहण संस्कार होता है, तो जिस भारिया को आप स्वीकार करते हो और जिंदगी भर उसके साथ रहते हो उसको किस भाषा में स्वीकार करके वागदान करते हो बताओ? संस्कृत भाषा में आप वचन बोलते हो, संस्कृत भाषा में ही आपकी भारिया भी होने वाली बोलती है और बाद में दोनों का एक मत हो जाता है। तो संस्कृत भाषा में आपने वचन दिए हैं और संस्कृत भाषा में ही वचनों को स्वीकार किया है, और आगे चल करके जब आपका जीवन समाप्त हो जाता है, अंतिम संस्कार का समय आता है, तब कौन सी भाषा में आपका संस्कार होता है? कहना पड़ेगा कि संस्कृत में होता है। पिंडदान संस्कृत में होता है, श्राद्ध संस्कृत में होता है। और यही नहीं, जब आप सवेरे उठते हो अपने ईश्वर की आराधना में तल्लीन होते हो तो किस भाषा में उनकी स्तुति करते हैं? कहना होगा कि संस्कृत में करते हैं, तुम्हें वो माता के पिता तुम्हें। तो इस तरह से देखा जाए, ये तो हमने कुछ बातें आपकी गिनाई, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी औपचारिक जो जिंदगी है वो संस्कृत के अनुसार चल रही है, हिंदी के अनुसार नहीं चल रही है, बांग्ला के अनुसार नहीं चल रही है, अंग्रेजी के अनुसार नहीं चल रही है, संस्कृत के अनुसार चल रही है। इसलिए यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबको ये मानना होगा कि हमारी भाषा तो संस्कृत है। जो जो मुख्य कार्य है वो सब कुछ हमने संस्कृत में ही किया है और कर रहे हैं और करते चले जाने वाले हैं। तो ये जो संस्कृत भाषा है ये स्वामी जी के द्वारा इस मंच से सुनने को हम लोगों को मिली और बहुत सारे लोगों ने उसके मर्म को भी समझ लिया, ये अच्छी बात। हमको तो राम जन्मभूमि की बात कहनी है, लेकिन
आज जो अनुष्ठान आप लोगों ने किया है, उस अनुष्ठान के माध्यम से एक बड़ा काम ये हुआ है कि राम से तो आप जुड़े हुए हो, लेकिन शंकराचार्य जी की साक्षी में राम जन्मभूमि से आपका संबंध इस अनुष्ठान के माध्यम से आज तय हो गया, बन गया। जो महान लोग होते हैं, माने भगवान की बात, तो भगवान का क्या स्वभाव है? भगवान कार्य स्वयं करते हैं लेकिन उसका श्रेय बांटते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन उठाना था तो उन्होंने उठा लिया, लेकिन कैसे उठाया? अकेले जाकर के उठा करके खड़े नहीं हो गए, देख मैंने उठा कर रखा है, बल्कि उन्होंने सारे ग्वाल बालों को बुला लिया, तो कहा भैया अपनी अपनी ताकत सब लोग लगाओ, और सब लोगों ने लगाया, और परिणाम यह हुआ कि जब इंद्र का कोप समाप्त हुआ, सब शांति में आए, तो ये विचार चलने लगा कि गोवर्धन को उठाया किसने था। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है, देखते हैं कि लोगों के मन में क्या धारणा है। तो उन्होंने कहा भाई देखो, गोवर्धन को तो मैंने ही उठाया था। तो सारे ग्वाल बाल खड़े हो गए, अरे कन्हैया ऐसी कैसी बात कर रहे हो, तुमने तो एक उंगली लगाई थी और हमने तो दसों उंगलियों में पकड़ करके अपनी अपनी लाठी लगाई थी, तो ज्यादा ताकत तो हमने लगाई थी, तुमने क्या लगाया। इस तरह से अपने जो श्रेय, जो उनको श्रेय मिलने वाला था, उस श्रेय का उन्होंने वितरण कर दिया, लोगों के बीच में कर दिया। भगवान श्री राम जिनके चरित्र का वाचन अभी हम लोगों ने किया, भगवान श्री राम ने क्या किया? उनके जीवन के सबसे बड़ा कार्य सेतु लिए न महोदधि विरचितः, महोदधि में सेतु बना दिया, समुद्र में सेतु बना दिया, लेकिन इतना बड़ा कार्य जब हुआ तो बात आई कि किसने बनाया। तो भगवान श्री राम ने कहा भाई बताइए किसने बनाया। तो भगवान श्री राम जानते थे कि यह प्रश्न आगे चल करके आएगा, इसलिए जब सेतु बन रहा था उसी बीच में वो गए और उन्होंने कहा भाई सुना है कि नल नील पानी में पत्थर डालते हैं और वो तैरने लगता है, ये क्या बात है? कहा महाराज आपके नाम का प्रभाव है, पत्थर के ऊपर श्री राम लिखते हैं और जाकर के जल में जैसे ही डालते हैं वो तैरने लगता है और जुड़ जाता है एक दूसरे से। तो कहा अच्छा चलो मैं भी डालता हूं। तो जाकर के भगवान श्री राम ने एक पत्थर उठाया, उठा करके सब लोगों के सामने उसको जल में रखा, लेकिन वो क्या, सारे पत्थर बड़े बड़े तैर रहे थे लेकिन भगवान श्री राम के द्वारा पानी में रखा गया छोटा सा पत्थर डूब गया। तो भगवान श्री राम ने कहा ये क्या, जब मेरे नाम में इतना प्रभाव है कि मेरे नाम लिख देने मात्र से पत्थर तैर रहे हैं, तो मेरे हाथ से छोड़ा गया पत्थर क्यों डूब जा रहा है? तो लोगों ने अलग अलग उत्प्रेक्षाएं इस पर की, लेकिन सच बात क्या थी? सच बात यही थी कि भगवान अपने श्रेय का वितरण करना चाहते थे, इसलिए एक पत्थर भी मैंने नहीं रखा, इस बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने ये लीला की थी। सारा श्रेय वानरों को, भालुओं को, सारे समाज को उन्होंने प्रदान कर दिया, उससे तो बल गया उस पर से जाकर के। ये भगवान की विशेषता। तो महाराज शंकराचार्य जी क्या नहीं कर सकते हैं? निश्चित रूप से भगवान शंकर के साक्षात आप अवतार हैं, भगवान नारायण के साक्षात स्वरूप हैं, और हम लोगों ने तो यही देखा है कि महाराजेश्वरी के संकल्प में ऐसी सिद्धि है कि जो संकल्प करते हैं वो पूरा हो जाता है, ये कहना छोटी बात है। जो संकल्प करते हैं वो 100 गुना ज्यादा बढ़कर के पूरा हो जाता है, ये हम लोगों का अनुभव। जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं जिन्होंने महाराजेश्वरी के चरित्रों का अनुशीलन किया होगा, उनका सबका ये अनुभव होगा कि महाराजेश्वरी ने कहा कि ये छोटा सा मंदिर यहाँ बन जाए, तो जहां पर ये संकल्प किया होगा वहां पर एक बहुत विशाल मंदिर बन गया होगा। महाराजेश्वरी ने कहा होगा